सबको नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। संक्रमण दर 1% से भी कम हो गई है। डेली जो मौत होती थी उसमें काफ़ी कमी आई है। हमें और भी कम करना है इन मौतों को। रिकवरी रेट भी काफ़ी सुधार हुआ है। रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जो लोग बीमार हो रहे थे वो अब ठीक हो के घर जा रहे हैं। लेकिन सब लोगों की नज़र अब वैक्सीन की तरफ है कि कब वैक्सीन आएगी और कब सब लोगों को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। हमने दिल्ली सरकार में वैक्सीन अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है केंद्र सरकार से वैक्सीन रिसीव करने के लिए, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। केंद्र सरकार ने 3 किस्म के प्रायोरिटी लोगों को लिस्ट बनाई है कि सबसे पहले इन्हें दिया जाएगा वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन आएगा एकदम से उसकी प्रोडक्शन तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती कि सारे देश को एक साथ दिया जा सके, उतनी कैपेसिटी भी नहीं होगी। तो प्रायोरिटी एरिया 3 किस्म के प्रायोरिटी एरिया बनाए गए हैं कि पहले इन लोगों को दिया जाएगा। उसमें है सबसे बड़ा प्रायोरिटी एरिया हेल्थ केयर वर्कर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, ये जितने लोग हैं हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उन लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा। दिल्ली में लगभग ऐसा एस्टीमेट है कि 3 लाख के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। दूसरा है फ्रंटलाइन वर्कर्स। फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जैसे पुलिस वाले हैं, जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, जैसे म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं, इस किस्म के लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स बोला जाता है। दिल्ली में उम्मीद है ऐसे लोगों की संख्या लगभग 6 लाख है। और तीसरी कैटेगरी है वो लोग जो कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, या अगर 50 साल से कम उम्र के हैं तो उनको किसी किस्म की कोमोर्बिडिटी है कि 50 साल से उम्र तो कम है लेकिन डायबिटीज़ है या हार्ट की बीमारी है या कोई और ऐसी बीमारी है जिसमें कोरोना कई बार जानलेवा हो जाता है। ऐसे लोगों की संख्या दिल्ली में लगभग 42 लाख है। तो 42 लाख और 6 लाख, 48 लाख और 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स, 51 लाख लोग दिल्ली में हमारे प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं, वो प्रायोरिटी कैटेगरी जो केंद्र सरकार ने डिफाइन की है। इन सब लोगों को चिन्हित लगभग कर लिया गया है। जो थोड़ा बहुत काम बचा है मुझे उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाएगा। 1 आदमी को 2 डोज लगेंगी तो 51 लाख लोग, मतलब 1,02,00,000 डोज की जरूरत पड़ेगी पहले फेज में इन प्रायोरिटी लोगों को वैक्सीन देने के लिए। हमारे पास अभी 74 लाख डोज स्टोर करने की कैपेसिटी है, कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी है, लेकिन इसको बहुत जल्द अगले 5-7 दिन के अंदर, सारा काम बड़ी तेजी से चल रहा है, अगले 5-7 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर ये कैपेसिटी हमारी बढ़ के 1,15,00,000 डोज स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाएगी। तो एक तरह से हमें प्रायोरिटी लोगों को वैक्सीन देने के लिए 1,02,00,000 डोजेस की जरूरत है और हमारे पास कुछ दिन में ही 1,15,00,000 वैक्सीन स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाएगी। तो हमारी वैक्सीन स्टोर करने की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। इन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिन जिन लोगों को जो कैटेगरी, जो प्रायोरिटी कैटेगरी है। तो जब वैक्सीन आएगी तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी। तो जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन लोगों को SMS के जरिए या अन्य तरीके से बता दिया जाएगा कि आपको इस दिन यहां पे पहुंचना है अपनी वैक्सीन लगाने के लिए। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपको इसके बारे में सूचित करेगी। दिल्ली के अंदर वैक्सीन देने के लिए जितनी भी साइट्स की जरूरत पड़ेगी, जितनी भी लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी, वो भी
सारी तैयारी की जा रही है और सफिशिएंट लोकेशंस हैं, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी मैन पावर की, जैसे एक लोकेशन के ऊपर 5 लोगों की टीम बनेगी, तो जितनी भी टीम्स की ज़रूरत पड़ेगी उन सारी टीम्स को चिन्हित कर लिया गया है, उन सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया गया है, उन सब की ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है। तो एक तरह से सारी तैयारियां कंप्लीट की जा चुकी हैं। और मान लीजिए खुदा ना करे किसी को वैक्सीन देने के बाद अगर कोई गलत इफेक्ट आ जाता है, अगर कोई उसको साइड इफेक्ट हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो उसको तुरंत उसका उसके ऊपर उसका इलाज करने का भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। उसके लिए जो स्पेशलिस्ट्स की ज़रूरत है, जो डॉक्टर्स की ज़रूरत है, उसकी भी सारी व्यवस्था कर ली गई है कि उसको तुरंत उसके लिए उसका इलाज किया जा सके, उसको तुरंत उसका ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो अब हम सब लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द ही वैक्सीन्स को हमारे देश में भी अप्रूवल मिलेगा। और जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है तो दिल्ली को जैसे ही वैक्सीन मिलेंगे, हम जल्द से जल्द सबसे पहले इन प्रायोरिटी ग्रुप्स को हम वैक्सीन देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। नमस्कार। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस, प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।